एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट जो वैल्यू है, एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू है, हायर डिग्री वाली जो वैल्यू है, उसके साथ एक ऐसा नंबर है जो कि कम्प्लीट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे। इसका मतलब है कि ए को एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हम लिखते हैं बाई डिवाइडिंग बाई ए ऑन बोथ साइड्स। ए से हम डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये बनेगा फिर ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस 4a डिवाइडेड बाई ए देन माइनस a डिवाइडेड बाई ए एंड ज़ीरो इज़ आल्सो डिवाइडेड बाई a, लेकिन उससे आंसर तो आपको ज़ीरो मिलेगा, तो आप ऑलरेडी उसे ज़ीरो ही कर दें। a से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4, और उसके बाद अगर हम a और a ये यहाँ पे x है, सॉरी, तो x तो एज इट इज़ रहने दें, 4 बाई ए एक्स, इसको हम सेपरेट कर देते हैं, माइनस a को a से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा इक्वल्स टू ज़ीरो। अब मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में भी बताया था, माइनस वन को आप राइट साइड पे ट्रांसफ़र कर दें, कांस्टेंट नंबर जो भी आपको मिलेगा जिसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं होगा, आपने इन क्वेश्चंस में कंप्लीटिंग स्क्वायर में उसको राइट साइड पे जो है वो डिवाइड उसको कन्वर्ट कर देना, उसको उसकी पोजिशन को चेंज कर देना। नेक्स्ट हमें क्या करना है, आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये ए स्केयर को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो सेकंड वैल्यू होती है वो 2ab को रिप्रेजेंट कर रही होती है, बी स्केयर इसमें मिसिंग होता है और बी भी मिसिंग होता है, तो वही हम फाइंड करते होते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको याद रखना है। तो एक्स स्केयर को हम एक्स होल स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये ए स्केयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस बी स्केयर नहीं होता इस क्वेश्चन में, हमें बी स्केयर को एम टी लिखना है, प्लस साइन लगाना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा। अगेन यहाँ पे आपको 2 लिखना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 इंटू ए, ए इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स इंटू बी, बी अभी हमारे पास एम टी वैल्यू है तो हम इसे एज एम टी ही लिखेंगे 1। और मैंने आपको कहा था जो चीज़ आप यहाँ पे होल स्केयर की फॉर्म में एम टी फॉर्म में लिखते हैं वो आपने राइट साइड पर भी लिखना होता है। अब देखना ये कि इन तीनों जो हमारे पास एम्प्टी बॉक्सेस हैं जो बेसिकली बी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करें, इसमें बी की वैल्यू क्या आएगी, तो उसका मैंने प्रोसेस आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि आपके पास ये जो भी एक्स वाली वैल्यू होगी आप उसको लिखेंगे, जैसे कि मेरे पास अभी 4 बाई ए है, इसको आपने 1/2 से, हर दफ़ा 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना है आपने, तो ये 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, और मेरे पास आंसर आ गया 2/a। तो बेसिकली ये जो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसे जो वैल्यू मिलती है वो बी होती है, तो बड़ी आसानी के साथ मैं इस बॉक्स में भी 2/a लिखता हूँ, इधर भी 2/a मुझे लिखना है और इधर भी मैंने 2/a लिखना है। अब ये तो मेरा कंप्लीट स्केयर हो गया, ये ए स्केयर हो गया, ये प्लस बी स्केयर हो गया, ये प्लस 2ab हो गया, बी मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया जो कि मैंने मेथड आपको बता दिए, तो इसको मैं कम्प्लीट स्केयर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये एक्स प्लस 2/a होल स्केयर, ठीक है जी, इक्वल्स टू 1 प्लस 2/a का स्केयर ओपन करें तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 स्केयर 4 एंड ए स्केयर इक्वल्स टू ए स्केयर। लें जी, क्वेश्चन काफ़ी हद तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, क्योंकि इसके नीचे नंबर नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ए स्केयर हो गया, 1 को ए स्केयर से डिवाइड करेंगे तो आंसर ए स्केयर आएगा, ए स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ए स्केयर प्लस ए स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर 1 की वजह से ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको स्केयर को एलिमिनेट करना है, फिर 2/a को एलिमिनेट करना है, स्केयर को एलिमिनेट तो अंडर रूट करता है, तो हम इसे लिखेंगे टेकिंग अंडर रूट और स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों इसी क्वेश्चन की दोनों साइड्स पे हम स्केयर रूट हम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास x प्लस 2/a होल स्केयर रूट इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए स्केयर होल अंडर रूट, ये स्केयर अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ स्केयर और स्केयर रूट हो चुकी है, तो x प्लस 2/a इक्वल्स टू, ये दोनों तो अंडर रूट में ही रहेंगे क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं और सेपरेटली हम इनका अंडर रूट फाइंड नहीं कर सकते, हाँ डिनोमिनेटर में जो वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है, ए की वैल्यू होता है, इसका स्केयर रूट आंसर ए आ जाएगा। और इसके साथ मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपने प्लस माइनस साइन ज़रूर यूज़ करना है, 2/a यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको ट्रांसफ़र करें राइट साइड पे, सो एक्स विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस ए स्केयर प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए, ये राइट साइड पे ट्रांसफ़र होगा तो माइनस 2/a हो जाएगा। अगेन आप इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम बहुत आसान है, ए की है तो हम ए ही लिखेंगे, तो हमारे पास जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको न्यूमरेटर भी सेम ही लिखने हैं, एज इट इज़ आप लिख देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा अरेंज करना रह गया, माइनस 2 को मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप स्टार्ट में लिखेंगे, तो ये माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस स्केयर रूट वाली वैल्यू को हम बाद में लिख देते हैं डिवाइडेड बाई ए,
तो ये हमारे पास आंसर आ गया, मेरा आंसर चेक कर लीजिएगा और ताकि कन्फर्म हो जाए बुक के साथ। और दूसरी बात याद रखिएगा कि ये जो स्केयर रूट है ना, कुछ बच्चे ये समझते हैं कि ए स्केयर प्लस फोर अंडर रूट में लिखा हुआ है, तो इसका स्केयर ए का स्केयर और फोर का स्केयर कैंसिल हो जाते हैं, बेसिकली ये ऐड हो रहे हैं। तो जब तक ये एडिशन होता रहेगा इनको हम स्केयर रूट नहीं लिख सकते, इनका स्केयर रूट फाइंड नहीं किया जा सकता, इसलिए ये स्केयर रूट के साइन में ही आएंगी ये वैल्यूज़, ठीक है जी। तो ये एक चीज़ आप याद रखिएगा।